आज हम बनाएंगे करेले की भरवे। तो आइए बनाते हैं। इसके लिए मैंने एकदम अच्छे अच्छे करेले ले लिए हैं। ये देखिए कितने सुंदर करेले हैं, और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको बीच से इस तरीके से कट कर लेंगे, और ये देखिए मैंने कट कर लिया है, और ये देखिए इतने ही बड़े मैंने काटे हैं। अब इसको हम सबसे पहले कढ़ाई में उबाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने पानी दे दिया है कढ़ाई में, और इसमें ये सारे के सारे करेले डाल देंगे और इसको उबाल लेंगे अच्छे से। हल्का सा नमक दे देंगे ताकि थोड़ी नमकीन फ्लेवर आ जाए, और बस इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से उबल रही है हमारी करेले, और ये देखिए चाकू अंदर घुस रहा है, इसका मतलब करेले अच्छे से उबल चुके हैं। तो इसको हम निकाल देंगे और ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर का जो है भरा हुआ बीज और जो है उसको हम इस तरीके से चम्मच की मदद से निकाल लेंगे, और इसको अच्छे से खाली कर लेंगे। तो सारे करेले को हम खाली कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए अच्छे से निकाल के, क्योंकि इसमें हम मसाले भरेंगे। तो इसको हमने अच्छे से निकाल लिया है। इसी तरीके से सारे के सारे को अच्छे से हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। और अब जब निकल गया है, ये देखिए सारे बीज को हम फेंकेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, धनिया और सरसों। इनको हम अच्छे से पीस लेंगे मसाला, और सबसे पहले तेल में हम प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे। तो प्याज हमारा एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ये देखिए गोल्डन ब्राउन ही करना है फ्रेंड्स। और जो मसाले का हमने पेस्ट रेडी किया था वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे सीधे। अब इस मसाले को बहुत अच्छे से हम भूनेंगे। भूनना इजी मेन प्रोसेस फ्रेंड्स, यही मेन प्रोसेस है। अगर आप अच्छे से नहीं भूनोगे तो अच्छी नहीं बनेगी हमारी भरवी। तो आप इसको अच्छे से भूनें। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, साथ ही साथ हम इसमें नमक डाल देंगे, और इसको बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे और अच्छे से भून लें फ्रेंड्स। और भूनते रहे। और अब जब देखेंगे मसाले कढ़ाई से इस तरीके से अलग हो रही है मिलाने पे, तो इसका मतलब हमारा जो ये मसाला है वो रेडी है। इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए मसाला एकदम अच्छे से रेडी है हमारा। वो जो बीज था ना फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाल दिया था, जो निकाला था हमने, ताकि बीज अच्छे लगे। और अब हम इसको ठंडा करके ये जो हमारे करेले के अंदर है इसको हम भर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से हम भर रहे हैं चम्मच के पीछे से, और अच्छे से इसको भर के उंगलियों की मदद से दाब के अच्छे से इसमें घुसा लेंगे। तो अच्छे से हम इसमें घुसा लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए पूरा भर देंगे हम इसके अंदर मसाला, और इसी तरीके से हम सारे के सारे में भर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा मसाला भर चुका है इसके अंदर, और इसी तरीके से हम सारे के सारे मसाले भर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से मसाले भर रहे हैं हम, इसी तरीके से आप भी भरिएगा। और बस ये देखिए फ्रेंड्स हमारा कितना जल्दी करेले का भरवा रेडी हो गया। बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, कड़वी बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि हमने इसे उबाला है तो कड़वी ये बिल्कुल नहीं लगती है। और ये देखिए भरवा रेडी है, ये देखिए मस्त से। और अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, सरसों का ही तेल में बनाया है मैंने, और सरसों के तेल में हमने इसको डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया है सब जगह से। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सही लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सही हमारा बन चुका है। ये एकदम अच्छे से पक रहा है। ऐसे ही चलाते चलाते हम इसको अच्छे से पका लेंगे, और इसको पूरे को हम ब्लैक कर लेंगे। और अब देखिए ये हमारा अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसको एक एक करके निकाल लेंगे। ये देखिए एक एक करके निकाले फ्रेंड्स, और इसी तरीके से हमारे भरवा रेडी हो जाएगा करेले का। एक बार ज़रूर बनाना फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप नए हो तो। और इसी तरीके से हम सारे भरवे को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं सेम टू सेम, और अब ये भरवे खाने के लिए रेडी है। तो चलिए सर्व करते हैं।